नमस्कार, आरके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने एक मैं बेबी फ्रॉक लेकर आई हूँ, ये देखो। ये फ्रिल बनाई मैंने, बाजू की गले से शुरू होकर नीचे की ओर जाती है, ये देखो। बीच में मैंने फ्लावर की तरह एक डिजाइन डाला है, उल्टी तरफ से भी और सीधी तरफ से। ये 1 साल के बच्चे के लिए है। ब्लैक होने के कारण थोड़ा सा डिजाइन नजर नहीं आ रहा होगा। ये गले ऊपर से शुरू करके मैंने नीचे की ओर बनाई है, फ्रिल बनाई है नीचे और ऊपर। चलो आपको मैं बनाना सिखाती हूँ। ये देखो, ये 70 फंदे मैंने डाले हैं। 70 फंदे डाल के मैंने 1, 2, 3, 4, 8 सिलाइयां मैंने सीधी सीधी की बॉर्डर की बना ली है। 8 सिलाइयां बॉर्डर के बनाने के बाद अब हम इसको आगे डिजाइन बनाएंगे और थोड़े फंदे बढ़ाएंगे। ये देखो कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 फंदे मैंने बटन पट्टी कर रखे हैं, एक मैंने बटन होल भी कर लिया। अब क्या करना, दो फंदे सीधे, दो कलर के बना रही हूं मैं, धागा आगे करना, फिर दो फंदे सीधे, धागा आगे, 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 दो फंदे सीधे, धागा आगे करके हमने जाली बना रहे हैं। इससे फंदे भी बढ़ जाएंगे और डिजाइन भी बन जाएगा। दो सीधे, धागा आगे, दो सीधे, धागा आगे, दो सीधे, ऐसे आप पूरी सिलाई कंप्लीट कर लो। धागा आगे, दो फंदे सीधे, फिर धागा आगे, दो फंदे सीधे, फिर धागा आगे, दो फंदे सीधे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 फंदे हमारे बटन पट्टी गए गए। हम इधर भी पिंक धागा लगा लेंगे। ये हमारे सारे फंदे सीधे। उल्टी सिलाई, उल्टी सिलाई में ये वाले फंदे बटन पट्टी के तो हम सीधे ही बुनेंगे। दोनों तरफ हम पिंक पिंक धागा लगा लेंगे। धागा आगे, ये हमारे दो, उधर हमारे सीधे थे, इधर हमारे दो फंदे उल्टे हो जाएंगे। जो हमने फंदा बढ़ाया था उसको हम सीधा बुन लेंगे, धागा पीछे करके सीधा। फिर धागा आगे किया, दो फंदे हमने उल्टे बुन लिए, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। जो हमने फंदा बढ़ाया उसको हमने सीधा बुन लेना, दो फंदे हमने उल्टे, एक फंदा सीधा। एक फंदा हमारा सीधा। ऐसे हम सारी सिलाई कंप्लीट करते हैं। दो फंदे उल्टे, एक फंदा जो हमने बढ़ाया उसको हमने सीधा ही बुनना, फिर दो फंदे उल्टे, एक सीधा, फिर दो उल्टे। धागा पीछे करके आपने ये 6 फंदे हमारे सीधे जाएंगे। सीधी सिलाई, सीधी सिलाई में ये 6 फंदे तो हमारे सीधे ही।
अब हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाना, अब हमने धागे को इस तरफ करके फिर धागे को ऐसे लेना जहाँ से हमारी जाली नहीं पड़ेगी। दो सीधे एक उल्टा, और ऐसे ही अपने हम थोड़ा सा बुनना है। एक सीधा, एक दो सीधे, एक उल्टा, एक उल्टा, दो सीधे, एक उल्टा। उल्टी सिलाई में आपने दो उल्टे एक सीधा हो जाएगा, इधर हमारा एक दो सीधे एक उल्टा। ऐसे थोड़ा सा आप बना लो, फिर आगे आपको दिखाती हूँ क्या करना है। ऐसे आप पूरा थोड़ा सा बना लो, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखो, यहाँ से हमने जाली डाली थी, ब्लैक करके नज़र नहीं आ रहा होगा आपको। ये मैंने 8 सिलाइयाँ चढ़ाने के बाद 6 सिलाइयाँ मैंने सीधी सीधी ले ली, जैसे मैंने बॉर्डर बनाया था ऐसे सीधी डाल ली है। हमने 70 फंदे डाले थे, अब 98 फंदे हो गए। अब हमने फिर यही वाला रिपीट फिर वापस करना है। ये 6 फंदे पहले हमने सीधे पट्टी के बना ले, दो सीधे, धागा आगे, फिर दो सीधे, धागा आगे, दो सीधे, धागा आगे, दो सीधे, धागा आगे, दो सीधे। अब फिर फंदे बढ़ रहे हैं हमारे, जैसे हमने नीचे बढ़ाए थे ना ऐसे अपने ये बढ़ाने, ऐसे हमने 3 बार बढ़ाने हैं फंदे। जो आपने बड़ी बड़ी फ्रॉक बनानी हो तो 4 बार भी बढ़ा सकते हो। ऐसे करके धागा आगे, दो फंदे सीधे, धागा आगे, दो फंदे सीधे। ऐसे आप पूरी सिलाई कंप्लीट कर लो, धागा आगे, दो फंदे सीधे। जैसे मैंने 8 सिलाइयाँ चढ़ाई, फिर मैंने 6 चढ़ाई, अब फिर 8 चढ़ानी है, फिर 6 चढ़ाएंगे, फिर 8 चढ़ाएंगे। ऐसे आप पूरा जहां तक कंप्लीट कर लो, धागा आगे, दो फंदे सीधे, फिर धागा आगे, दो फंदे सीधे। ये 6 फंदे हमारे बटन पट्टी के। उल्टी सिलाई, छह फंदे हमारे बटन पट्टी के, उधर हमारे 2 फंदे सीधे थे, इधर 2 फंदे हमारे उल्टे हो जाएंगे। एक फंदा सीधा, जो हमने बढ़ाया था उसको सीधा बुन लेना। 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 2 उल्टे, एक सीधा, 2 उल्टे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। ऐसे आपने पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। 2 फंदे उल्टे, एक सीधा, 2 उल्टे, एक सीधा। जो हमने फंदा बढ़ाया उसको हमने सीधा बुन लेना। ब्लैक करके थोड़ा नजर नहीं आ रहा होगा आपको। ऐसे आप पूरा कंप्लीट कर लो, 2 उल्टे, एक सीधा, फिर 2 उल्टे, ये हमारे 6 पट्टी बटन पट्टी के फंदे। आप बटन होल अपने साथ साथ बनाते जाना,
सीधी सिलाई, ये देखो बटन होल आप साथ साथ बनाते जाओ। ये तो हमारे बटन पट्टी के आ जाएंगे 6 फंदे। अब सीधी सिलाई में हमारे 2 फंदे सीधे, 1 उल्टा, 2 सीधे, 1 उल्टा, 2 सीधे, 1 उल्टा, ऐसे आपने पूरा कंप्लीट कर लो। जितना हमने 8 सिलाइयाँ ये चढ़ाई थी, 8 ये चढ़ा के फिर 6 सिलाइयाँ हमने सीधी सीधी चढ़ा लेनी। उसके बाद फिर एक बार ऐसे करके फिर आपको वो दिखाती हूँ क्या करना। आप इतना बना लो, ये देखो ऐसे फंदे बढ़ गए, जाली आ रही है ना। आप इतना बना लो, 3 बार हम फंदे बढ़ाएंगे, 1 2 हो गए, एक बार और बढ़ाएंगे, उसके बाद आगे आपको दिखाती हूँ क्या करना। ये देखो ये मेरा बन गया, इतना 1 2 3 बारी मैंने फंदे बढ़ा ले। फंदे बढ़ा के मेरे 203 फंदे हो गए। अब फंदों को मैंने डिवाइड करके बाजू के फंदे की हम फ्रिल बनाएंगे और बाकी फंदे की हम सीधी सीधी सिलाइयाँ चढ़ाएंगे। जो मैंने 30 फंदे आगे वाले हिस्से में, 30 हमारे आगे वाले हिस्से में, 40 मैंने बाजू के रखे हैं और 62 मैंने पीछे वाले हिस्से में, और फिर 40 फंदे और फिर 30 फंदे। क्योंकि तो बाजू हमने बनानी नहीं, इसकी फ्रिल ही बनानी है, इसलिए हमने 16 फंदे रखे हैं। इसलिए चलो आपको अब मैं बाजू की फ्रिल बनाना सिखाती हूँ। ये देखो ये मैंने 30 फंदे बुन लिए। अब बाजू 2 फंदे उल्टे, धागा आगे रहना, एक सीधा बुन लिया, धागा आके एक सीधा और, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक सीधा, धागा आगे एक सीधा और, 2 फंदे उल्टे, एक सीधा, धागा आगे एक सीधा और, 2 उल्टे, एक सीधा, धागा आगे एक और सीधा। 2 सीधे फंदों के बीच में एक जाली हमने डालनी, 2 फंदे उल्टे, एक सीधा, धागा आगे एक और सीधा, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक सीधा, दो उल्टे, एक सीधा, धागा आगे एक और सीधा, 2 फंदे उल्टे, एक सीधा, धागा आगे एक और सीधा, 2 फंदे उल्टे, एक सीधा, धागा आगे एक और सीधा, 2 उल्टे, धागा पीछे, एक सीधा, धागा आगे एक और सीधा। ये फंदे हम सारे सीधे बनाएंगे, पीछे वाले फंदे और आगे वाले हम सीधी सीधी सिलाइयाँ चढ़ाएंगे। ऐसे सीधी सीधी सिलाई आप चढ़ा लो, फिर अगली दूसरी बाजू के आप आके बताती हूँ आपको। ये पीछे वाले बुन लिए, अब फिर बाजू आ गई, फिर 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक सीधा, धागा आगे एक और सीधा,
दो उल्टे, धागा पीछे एक सीधा, धागा आगे एक और सीधा, दो उल्टे, धागा पीछे एक सीधा, धागा आगे एक और सीधा, दो उल्टे, एक सीधा, दो उल्टे, एक सीधा, धागा आगे एक और सीधा, दो उल्टे, एक सीधा, धागा आगे एक और सीधा, दो उल्टे, दो फंदों के बीच अपने जाली डालनी है। दो उल्टे, एक सीधा, धागा आगे एक और सीधा, दो, उल्टे, एक सीधा, धागा आगे एक सीधा। फिर आपने जेब वाले फंदे भी सीधे बुन लेने, जहाँ बटन पट्टी के भी आ जाएंगे, ये पूरी सीधी सिलाई आप चढ़ा लो। ये देखो ऐसे हमारा गुलाई में बन गया। ऐसे आ जाएगा। अब हम उल्टी सिलाई में हैं। उल्टी सिलाई में ये फंदे तो हमारे सीधे ही जाएंगे, जैसे पहले बटन पट्टी के, बाकी सिंपल सीधे। जो आगे हिस्से के, अब बाजू के आगे जो हम फ्रिल बना रहे थे उसके पहले हमारे तीन फंदे उल्टे आ जाएंगे, एक जाली का एक दूसरा, और जो हमने उधर उल्टे दो बुने थे वो इधर से सीधे हो जाएंगे। तीन उल्टे और दो सीधे, तीन उल्टे दो सीधे, ऐसे आप पूरी सिलाई कंप्लीट कर लो। ये हमारे सीधे ही आएंगे, फिर इस ये वाले बाजू के ऐसे आएंगे, दो उल्टे, तीन उल्टे दो सीधे, फिर आगे वाले के सिंपल सीधे। इतना बना लो, फिर अगली सिलाई में आपको मिलती है। ये मैंने सीधी सिलाई हो गई, ये हमारे सीधे फंदे हो गए। अब हम जो फ्रिल बना रहे थे उसके देखो, दो उल्टे, आगे हमने एक सीधा बना के फिर जाली डाली थी ना, अब हम दो सीधे फंदे बुन के फिर धागा आगे फिर एक जाली, दो उल्टे, धागा पीछे, दो सीधे, धागा आगे, जाली, दो उल्टे, दो सीधे, धागा आगे फिर जाली, दो उल्टे, दो सीधे, धागा आगे फिर जाली, दो उल्टे, दो सीधे, धागा आगे फिर जाली। ये देखो ये जाली डाली ना, ऐसे हमने
जाली डालनी है, और ये भी हमने ऐसे बाकी फंदे सीधे बुन लेने, फिर जाके बाजू की भी जहाँ जाली डाल लेंगे और फिर सीधे। ऐसे आप 6 सिलाइयाँ ऐसे कर लो, फिर आगे आपको मिलते हैं। हाँ देखो जाली बन गई, पहले एक फंदा बुन के बनाया था, फिर 2, फिर 3, फिर ऐसे 4, फिर 5 हो गए, 1, 2, 3, 4 जाली डल गई। यहाँ हमने 6 सिलाइयाँ डाली थी, हमने यहाँ 8 सिलाइयाँ डाल ली। अब हम उल्टी तरफ से, ये उल्टी सिलाई आ गई हमारी, यह सिलाई सीधे बुन ले, और अब बाजू वाले हमने जो फ्रिल बनाई थी हम बंद करते जाएंगे। ये देखो कैसे, ऐसे 1, 2 उल्टी तरफ से मैंने बंद की है, दो, तीन, चार, पांच, ऐसे आपने ये फ्रिल पूरी बंद कर देनी है अपने, ये वाले 1, 2, 3, 4, 5, 6 फंदे हमारे ये फ्रिल वाले बन गए। ऐसे आप यहाँ तक बंद करो, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखो पूरे आप मेरे बंद कर दिए मैंने। अब ये वाले हमारे सीधे बुनाए जाएंगे, ये सीधे बनाकर आगे ये बाल वाले भी हम पूरे बंद कर देंगे। दोनों बाजू हमारी निकल जाएंगी। अब दोनों हम पूरा बना के इतना मैं आपको दिखाती हूँ। फिर ये देखो ये हमारी बाजू के फ्रिल बन गई। अब हम आगे और पीछे दोनों फंदे हम इकट्ठे बुनाई करेंगे। ये बाजू के हम निकाल देंगे और आगे और पीछे वाले दोनों इकट्ठे बुनेंगे। आप चाहो तो फ्रिल चौड़ी भी बना सकते हो, बड़ी भी। जैसे मैंने 1, 2, 3, 4 जाली डाली है ना, आप 5, 6 जितनी मर्जी है आप डाल सकते हो, आप जितनी बड़ी बनानी चाहो। मैंने छोटी छोटी बनाई है, ये देखो। अब हम इन दोनों को इकट्ठा ही करेंगे, ये देखो कैसे। पहले तो हम बटन पट्टी बनाएंगे, जहाँ हमने बटन होल बनाना है, धागा आगे, दो का एक, ये बटन होल बन गया हमारा। अब हमने ब्लैक धागा लगाना, हमने ये फ्रिल वाला पार्ट निकाल देंगे। अब यहां से शुरू करेंगे, ये बाजू हमारी निकल गई, ये फंदे अब साथ में ही। ये बाजू हमारे निकल के ऐसे ही हम पूरे ऐसे बना के ये देखो अभी खत्म हो गया। अब हमारे
उल्टी सिलाई। ये तो पहले हमारे 6 फंदे थे बटन पट्टी के, बाकी हम सीधी उल्टी सिलाई हम थोड़ा सा बनाएंगे, फिर उससे आगे आपको मैं दिखाती हूँ क्या करना। आप सीधा उल्टा थोड़ा सा बुन लो, क्योंकि अब ये देखो हमारा बाजू तो बाहर निकल गई। ऐसे थोड़ा हम बनाकर फिर आपको दिखाती हूँ क्या करना। देखो इतना मेरा बन गया। अब मैंने ये डिज़ाइन डाला बीच में फ्लावर से, ये आपको बनाना सिखाऊंगी मैं। पहले पूरी सिलाई मैंने पिंक कलर की सीधी चढ़ा ली, बिल्कुल सीधी। उल्टी सिलाई छह फंदे तो हमारे बटन पट्टी के, अब हम डिजाइन बनाएंगे। ये 6 फंदों का डिजाइन है। देखो एक फंदे को पहले लेना, 1, 2 और 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5 फंदों का हमने बल देना, 1, 2 और 3, 5 फंदों को बल देने के बाद एक फंदा हमने सीधा बनाना, फिर 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5 फंदों को फिर हमने ऐसे बल देना, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। ये देखो ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 5 फंदों को बल देने के बाद एक फंदा हमारा सीधा, फिर 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 3, 5 फंदों के करने के बाद एक फंदा हमारा सीधा, फिर 5 फंदों को हमने बल देना 3 बार, 1, 2 और 3, 4 और 5। दो, तीन, चार और पांच, ये हमारे बटन पट्टी के आ गए। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब हम सीधी सिलाई में आ गए राइट साइड में। अब हमने क्या करना, पहले तो बटन पट्टी के हम 6 फंदे बना लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 1, 2। जो हमने फंदों को बल दिया था ना, अब हम खोल लेंगे, 1, 2, 3,
चार और पांच। धागा अपनी तरफ कर लेंगे। ये पांच फंदों को हम सिलाई में करके धागा पीछे, फंदे अपनी तरफ, फिर धागा अपनी तरफ कर लो, फंदे इस सिलाई में, धागा पीछे, पूरे फंदे अपने इस सिलाई में। इसको टाइट नहीं रखना, बिल्कुल नॉर्मल या रखना। जो एक फंदा हमने बनाया था बीच में उसे हम बुन लेंगे सीधा। फिर एक दो तीन चार पाँच, पांच फंदे खोलने के बाद धागा अपनी तरफ, पांच फंदे इस सिलाई में, धागा पीछे, फंदे वापस, फिर धागा अपनी तरफ। दो बार हमने बल देने, इसको ज़्यादा टाइट नहीं रखना। नॉर्मल जिया। फिर एक फंदा जो बुना था हमने, छोड़ा था एक सीधा बुना था, उसको सीधा ही बुन लेंगे। फिर एक दो तीन चार पाँच, धागा अपनी तरफ, पांच फंदे हम वापस, फिर धागा पीछे, पांच फंदे वापस इस सिलाई में, फिर घुमाया धागा, फिर वापस। ये देखो पांच पांच फंदों का हमना ये पैटर्न है। फिर एक फंदा सीधा बुन लिया, फिर एक दो तीन चार पाँच, धागा अपनी तरफ किया, पांचों फंदे वापस इस सिलाई में, फिर वापस इस सिलाई में, फिर धागा घुमाया। दो बार धागा घुमाना बस, इसको बोला टाइट नहीं करना, नॉर्मल रखना। ऐसे आप ऐसे पूरा सिलाई ख़त्म कर लो। ऐसे एक दो तीन चार पाँच, धागा अपनी तरफ, धागा पीछे, फंदे वापस सिलाई में, फिर धागा घुमाया, फिर फंदे, फिर ऐसे। ये दो बार हो गया। जो फंदा हमने एक छोड़ा था उसको आप ऐसे बना लें। इस तरह आप पूरे फंदे, पूरी सिलाई रो आप ऐसे कंप्लीट कर लो। फिर आगे आपको दिखाती हूँ। उल्टी सिलाई में हमने क्या करना है, जो हमने फंदे पांच पांच हमने इकट्ठे किए थे ना, अब एक एक करके सीधी सिलाई, सीधी सिलाई चढ़ानी है। एक दो तीन चार और पांच, और ये वाला फंदा था मैंने वैसे ही बुन लेना। पूरी सिलाई सीधी जानी, ये पांच फंदे एक एक करके हमने सारे बना लेने। तीन चार और पांच, ये फंदा भी सीधा ही। फिर एक दो तीन चार और पांच, फाइव फाइव फंदे हमने पूरे अपने बना लेने। ये देखो ऐसे आ जाएगा। फिर ये फ्लावर फ्लावर से हमारे बन गए। ऐसे आपने पूरी रो कंप्लीट करके बाद में हम ऐसे फिर सीधा उल्टा बुन लेंगे ब्लैक वाला। ऐसे आपने पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेनी। एक सिलाई सीधी, एक में बल डालने हमने, दूसरी में हमने बल खोलने, और तीसरी सीधी आएगी।
ये पांच फंदे हमारे सीधे। फिर एक सीधा, एक दो तीन चार और ये पांच, ये चार सिलाइयों के हमारा डिजाइन बनता है पूरा कंप्लीट। एक दो तीन चार और पांच, ये देखो ऐसा बन गया। आप पूरा ऐसी सिलाई कंप्लीट कर लो, चार सिलाइयों में हमारा ये डिजाइन बन जाए, पांच पांच फंदों का ये डिजाइन है। उसके आगे आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखो बन के हमारी तैयार हो गई है। अब हम जो हमने बाजू की फ्रिल बनाई थी ना ये वाली, अब हम नीचे भी ये वाली फ्रिल बनाएंगे। ये देखो इसके लिए क्या करना है, पहले दो फंदे हमारे उल्टे आ जाएंगे, धागा पीछे, एक सीधा, धागा आगे, एक और सीधा, दो फंदे हमारे उल्टे, एक सीधा, धागा आगे, एक और सीधा, दो तुम्हारे उल्टे। अब हम बटन पट्टी छोड़ देंगे, बटन पट्टी के जगह भी हम फ्रिल बना देंगे। दो उल्टे, धागा पीछे, एक सीधा, धागा आगे, एक और सीधा, दो फंदे हमारे उल्टे, एक फंदा हमारा सीधा, उल्टी सिलाई। दो फंदे हमारे सीधे आ जाएंगे, जो उल्टे उधर बने थे इधर सीधे आ जाएंगे, उधर उल्टे थे इधर सीधे आ गए। अब तीन फंदे हमारे उल्टे, धागा पीछे, तीन फंदे हमारे, जो उधर हमने दो फंदे उल्टे बुने थे ना वो इधर सीधे हो जाएंगे, जो सीधे बुने थे वो उल्टे हो जाएंगे, पहले दो थे अब तीन हो गए, तीन फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, तीन उल्टे, दो सीधे। पहले हमने एक छोड़ के जाली डाली थी, अब दो छोड़ के जाली डाल लेंगे। ये देखो पहले एक जोड़ के छोड़ के जाली डाली थी, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, ऐसे आप जाली बनाकर उसे पूरा कंप्लीट कर लेना। ऐसे हमारी फ्रॉक तैयार हो जाएगी। ये देखो ये बाजू आ गई जी, ये एक साल के बच्चे के लिए बनाई मैंने, आप भी बनाना। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।